व्यापार मामले में विजयनगर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में बंधक बनाकर रखी गई 10 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराया गया था, जिन्हें बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से बुधवार रात बांग्लादेशी युवतियां भाग निकली। मामले में आईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि युवतियां पीड़ित थी, आने वाले दिनों में चलने वाले ट्रायल में उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पुलिस जल्द उन्हें ढूंढकर बयान करवाएगी। विजयनगर थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स मामले में कार्यवाही करते हुए लक्ष्मीनगर स्थित एक होटल में बंधक बनाकर रखी युवतियों का रेस्क्यू किया था, जिन्हें जबरदस्ती देह व्यापार में ढकेला गया था। रेस्क्यू की गई युवतियों में 10 युवतियां बांग्लादेश की थी, जिन्हें बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित शेल्टर होम में रखा गया था, जहां से युवतियां बुधवार को भाग गई। मामले में इंदौर जोन के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि सभी युवतियां पीड़ित थी, जिन्हें संरक्षण गृह में रखा गया था। पुलिस को आने वाले दिनों में चलने वाले ट्रायल में बयान के लिए उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे में जब बयान होगा उसके पूर्व युवतियों को ढूंढकर उनके बयान कराए जाएंगे। उनको रेस्क्यू किया गया था, उन्हें बांग्लादेश स्थित एक शेल्टर होम में रखा था, लेकिन उन्हें अब वहां से बाहर हो गई हैं। सर, उसको लेकर किस तरह की अभी तक उस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, वो उसमें पीड़ित थी और उस पूरे मामले में किसी तरह के वैधानिक निरोध में नहीं थी या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें वहाँ पे एक संरक्षण गृह में रखा गया था, जहाँ से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको ढूंढेगी, पुलिस की जरूरत उनके बयान में पड़ेगी। आने वाले दिनों में जो ट्रायल चलेगा उसमें पुलिस को उस समय तक बयान में उनकी जरूरत पड़ेगी। पुलिस उन्हें उनके दिए गए जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर उन्हें कोशिश करेगी कि उन्हें निश्चित तिथि के पहले वापस ला करके सही समय पर उनके बयान कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं सर, आश्रम में रुके थे वहाँ उसकी लापरवाही है सर, क्योंकि इतने बड़े मामले में उनसे बयान होना है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस आश्रम वो मामला चूंकि चार पाँच महीने पुराने हैं, उसमें अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण बयान निर्धारित समय पर ही हो सकते हैं। वो चूंकि गिरफ्तारी में नहीं थे, पुलिस अभिरक्षा में नहीं थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें एक संरक्षण में रखा गया था और पुलिस की कोशिश होगी कि निर्धारित अवधि में जब ट्रायल शुरू हो उसके पूर्व उनको ला करके और उनके बयान समय पर कराए जा सके, ताकि बेहतर ढंग से आगे ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो सके। दो थाने की पुलिस भी लगी हुई थी उनकी सुरक्षा के अंदर, वो इनके बीच से निकल रही है। वहाँ पे मुख्य तौर पर जो समय पर जो गार्ड लगते हैं जो परंपरागत तौर पर वहीं थे, अलग से उसमें उन्हें पुलिस अभिरक्षा में वर्तमान में नहीं थी। वहाँ पे जब उसमें बचाया गया था उसमें 35 से ज़्यादा महिलाओं को बचाया गया था, जिन्हें अलग अलग जगहों पे जो रह रही हैं और बाद में आने वाले दिनों में उनके बयान भी होंगे। आईजी के अनुसार उक्त मामले में 35 से अधिक महिलाओं को बचाया गया था, जो अलग अलग जगह रह रही हैं, जिनके बयान जल्द ही होंगे।